हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अशरफी पाल फ्रॉम ब्रह्मदास सरस्वती विद्या मंदिर बिलासपुर, पीजीटी बायोलॉजी। टुडे वी डिस्कस अबाउट द 11th स्टैंडर्ड्स बायोलॉजी लेसन द लिविंग बर्ड। आज लिविंग बर्ड पर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द लिविंग, लिविंग हैं क्या, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, जितनी भी लिविंग चीज़ हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट आर द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग में कौन सा ऐसा डिफरेंस है, कौन सा ऐसा अंतर होता है जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि दैट थिंग इज़ लिविंग एंड दैट इज़ नॉन लिविंग, वो सारे का सारा आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं, किस प्रकार से साइंटिस्टों ने उनको आइडेंटिफाई किया है अलग अलग, तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियो सबसे पहले व्यूज आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइफ स्पान, हम सभी जानते हैं कि हर जीव का एक निश्चित लाइफ स्पान होता है, एक निश्चित जीवन काल होता है, और कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन। हर जीव का एक लाइफ स्पान होता है और जब वो अपने लाइफ स्पान को कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। वो जीव अपने लाइफ स्पान में, उस जीव का ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका एडेप्टेशन होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, इस सारी की सारी उसके हमें उसके जीवन में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल आता है, सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिगनिंग, व्हाट इज़ द लिविंग, लिविंग है क्या, लिविंग क्या है, किस आधार पे हम कह सकते हैं कि दैट थिंग इज लिविंग एंड डॉट इज नॉन लिविंग। टू स्टडी द बायोलॉजी, यदि हम बायोलॉजी का स्टडी देखें तो लाइफ साइंस वन शुड बिगिन विद द क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यह आता है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या, जीवन है क्या। तो देयर इज़ नो सर्टेन डेफिनेशन अबाउट द लाइफ, जीवन की कोई सटीक परिभाषा अभी तक नहीं है कि साहब ये जीवन लाइफ की डेफिनेशन है। वी कैन फील ओनली लाइफ, हम जीवन को केवल महसूस कर सकते हैं, और वो महसूस कैसे करते हैं कि उसकी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें जीवन है। जैसे हू हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा, नाइदर आई नॉर यू, ना आपने देखा है ना मैंने देखा। वर्ड व्हेन द विंड पासेज लीव्स ऑफ द ट्रीज देन वी से द विंड इज पासिंग, जब पेड़ों की पत्तियों के बीच से हवा गुजरती है तब हम कहते हैं कि हवा चल रही है। तो उसको क्या हम केवल महसूस करते हैं, उसको हम फील करते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन को हम महसूस करते हैं, और वो महसूस कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं, वेरियस प्रोसेस, वी हैव द वेरियस प्रोसेस, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं और जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि लिविंग है। ऑल्थो बायोलॉजिस्ट हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ लिविंग थिंग्स, दे फाइंड डिफिकल्टी इन डेफिनिंग लाइफ, साइंटिस्टों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई इसमें कि जीवन है क्या, लाइफ की परिभाषा क्या है, कॉम्प्लेक्स फिजियोकेमिकल सिस्टम, लाइफ इज अ नॉट डेफिनेबल एंटिटी और प्रॉपर्टी, इफ यू लुक अप ऑफ लाइफ इन द डिक्शनरी यू विल फाउंड डेफिनेशन सच एज द क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विश अ वाइटल एंड फंक्शनली बिगिन फ्रॉम अ डेड बॉडी, वट यू वॉन्ट इट फाइंड आउट दैट द क्वालिटीज, लाइफ इज द प्रॉपर्टी, जीवन जो है एक प्रकार का प्रॉपर्टी है दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसमें एक लिविंग थिंग्स है दूसरा एक नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो जो लिविंग जीवन जिनके अंदर है, जिनके अंदर लाइफ है, उनके अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बारे में हम अभी इसी वीडियो में देखने के लिए जा रहे हैं, समझाने के लिए जा रहा हूँ कि ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि लिविंग है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द फाइन लाइन ऑफ डेमरिकेशन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, हमने लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज है। फॉर एग्जांपल अ वायरस इज अ लाइफलेस, मान लीजिए एक हम वायरस को सभी जानते हैं, वायरस जो है एक लाइफलेस है, उसके अंदर जीवन नहीं है, लाइफलेस पार्टिकल्स अंटिल इट बिकम्स एक्टिव इनसाइड द लिविंग सेल, लेकिन वायरस जैसे ही लिविंग सेल के कॉन्टैक्ट में आता है वो लिविंग हो जाता है, इट मीन्स उसके अंदर लाइफ आ जाता है। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंक्लूड रिप्रोडक्शन, सारे ही जीव ऐसे होते हैं, बहुत से जीव ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म है, मूवमेंट है,
रेस्पॉन्सिवनेस है एंड एडेप्टेशन है, ये सारी के सारी क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं। बट नॉट एवरी ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेस ऑल दिस फीचर्स, लेकिन सारे ही जीव के अंदर ये क्वालिटीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं। लिविंग थिंग्स आर नॉट ओनली ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन देयर फिजिकल सराउंडिंग, और जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने चारों ओर का जो हमारा वातावरण है, जो फिजिकल सराउंडिंग्स है, उसी पर डिपेंडेंट ही होती हैं, बट ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट और अदर लाइफ फॉर्म्स, लेकिन जीवन की कुछ और फॉर्म्स में भी वो डिपेंड होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शेयर सम यूनिफाइड एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं उनके सब कुछ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक केमिकल से मिलकर के बना हुआ है, एक रसायनों से, एक एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। हमारा शरीर बहुत सारे केमिकल्स है, एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स एंड हैव अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गेन्स हैं, या पूरा जो ऑर्गेन सिस्टम बना हुआ है, वो किसी न किसी प्रकार के केमिकल्स का कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो हमारे शरीर की बेसिक इकाई है, जिसको हम सेल कहते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल। सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कुछ जो एक कोशिकीय जीव हैं, जिनका शरीर वन सेल से मिलकर के बना होता है, आर फ्री लिविंग एंड पोजेसेस स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनलेस दैट अलाउ देम टू सेल्फ सफिशिएंट मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और ज़्यादातर जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं आर मल्टी सेल्यूलर, वो सब मल्टी सेल्यूलर है, दैट इज के दैट्स बॉडी मेड बाई अ मल्टी सेल्स, उनका शरीर बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बना है। सेकेंड है, ऑल लिविंग थिंग्स हैव एन एबिलिटी टू ग्रो, हर जितना भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर ग्रो होने की एक कैपेसिटी होती है, वो ग्रो होते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो साइज में बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं नंबर में। मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो ग्रो करते हैं एक सर्टेन एज तक, उनके अंदर ग्रोथ होता है, वो मेच्योरिटी में जाते हैं एंड रिमेन एट द कॉन्स्टेंट साइज, वाइल प्लांट्स यूजली कंटिन्यू टू इंक्रीज इन साइज थ्रू आउट लाइफ देयर लाइफ स्पान। जबकि प्लांट जो होते हैं वो जीवन के बहुत हिस्से तक उनके अंदर जो इंक्रीज वो होते रहते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकोगनाइज दैट ग्रोथ इज़ अ परमानेंट इंक्रीज इन मेटाबॉलिज फीचर्स सच एज द वॉल्यूम्स। ग्रोथ जो होता है वो हमारा वॉल्यूम्स में, मास में, लेंथ में, विड्थ में, सभी के अंदर ग्रो होता है। सेल्स इंक्रीज इन नंबर, जो सेल्स होती हैं वो नंबर्स में इंक्रीज होती हैं, नंबर्स में बढ़ती हैं। सेकेंड है, ऑल लिविंग थिंग्स हैव एन एबिलिटी टू एक्वायर मटेरियल्स एंड एनर्जी। देखिए, वी आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग अवर फूड, हम अपने फूड को कन्वर्ट करने में कैपेबल हैं अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम जब फूड लेते हैं तो उस फूड से हमको एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं अपना डेली रूटीन वर्क या हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं हर पार्ट्स का, उसको करने में यूज़ करते हैं। टू केमिकल्स विच आवर बॉडी सेल्स कैन यूज थ्रू मेटाबॉलिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर मटेरियल्स एंड एनर्जी फ्रॉम देयर एनवायरमेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सिंथेसाइज और पुटिंग टूगेदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस एंड इज रिक्वायर्स एनर्जी। सम ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, बहुत से जीव हैं जैसे प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हम हेटरोट्रॉप्स हैं। तो ऑटोट्रॉप्स में वो अपना फूड खुद बनाते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। तो ये सारी, लेकिन सभी को, चाहे वो ऑटोट्रॉप्स हों हेटरोट्रॉप्स हों, सभी को एनर्जी की नीड होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिविंग थिंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, लिविंग थिंग्स हैव एन एबिलिटी टू ग्रो, हर जीव के अंदर बड़े होने की कैपेसिटी होती है। लिविंग थिंग्स हैव एन एबिलिटी टू एक्वायर मटेरियल्स एंड एनर्जी एंड लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रेस्पायर, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पायर करने की, यानी इट मीन्स उनके अंदर रेस्पायरेशन होता है। और रेस्पायरेशन, आना यू नो वेरी वेल देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। इन
एरोबिक रेस्पायरेशन कैरीड आउट बाय द वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. दिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन. द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ऑफ विच आर एलिमिनेटेड एट वेस्ट प्रोडक्ट. ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर ऑफ वाटर यूजिंग ऑर्गेन्स डिजाइन टू ऑप्टिमाइज गैसियस एक्सचेंज. दीज इंक्लूड द स्टोमेटा इन प्लांट्स, स्पाइरिकल्स इन आर्थ्रोपोड्स, गिल्स इन फिशेज एंड लंग्स इन मैमल्स. द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टिमुलस एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्रीथिंग. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन व्हेन ऑक्सीजन लेवल्स आर एट द लो लेवल, कि जब ऑक्सीजन का लेवल लो लेवल में हो जाता है, इट इज पॉसिबल फॉर सम सिंपलर ऑर्गेनिज्म एंड पार्ट्स ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स वंस टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज द फार लेस एफिशियंट प्रोसेस बट अ नेसेसरी अल्टरनेटिव इन सम केसेस. द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पायरेशन आर डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक. एनाएरोबिक में जो बाय प्रोडक्ट हैं वो एरोबिक से डिफरेंट होता है. इन ह्यूमन्स ऑक्सीजन स्टार्टेड मसल्स सेल्स विल्स रेस्पायर एनाएरोबिकली अंडर स्ट्रेस सच एज द हैवी फिजिकल एक्टिविटी. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हीं के अंदर रेस्पायर करने की एक कैपेसिटी होती है, वो रेस्पायरेशन करते हैं. लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू मूव. देखिए जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर मूव करने की एक एबिलिटी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती हैं. लिविंग थिंग्स मूव इन डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड वे, मूविंग ऑन देयर ओन अकॉर्ड. नॉन लिविंग थिंग्स ओनली मूव इफ दे आर पुश्ड और पुल्ड ऑन समथिंग एल्स. नॉन लिविंग थिंग्स कभी मूव नहीं करती है. डोंट मूव नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स उस कंडीशन में मूव करती है जब उसको पुश किया जाता है या पुल किया जाता है. ऑल लिविंग थिंग्स हैव एन एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू दियर एनवायरमेंट. जितना भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने एनवायरमेंट के साथ एक रेस्पॉन्ड करती हैं. ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का. नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के साथ में रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं. कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग्स. जितने भी जिंदा चीज़ें इस प्रकृति के अंदर हैं, जिनके अंदर लाइफ है, जिनके अंदर जीवन है, वो सब अवेयर हैं अपने सराउंडिंग्स से एंड रेस्पॉन्ड टू देयर स्टिमुली फ्रॉम देयर एनवायरमेंट. दिस ऑफ्टन रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड सेफ्टी. और वो अपनी सेफ्टी के लिए एनवायरमेंट से रेस्पॉन्ड करते हैं. दिस हेल्प टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्ग. फॉर एग्जाम्पल एज यंग चिल्ड्रेन, मान लीजिए कोई एक यंग चिल्ड्रेन है, एक बच्चा है, वे लर्न टू अवॉइड हॉट स्टोव. और हमने ये बताना कि जो आप गर्म चीज़ या गर्म तवे के पास आपको नहीं जाना है. एंड विज स्ट्रेस द प्लांट्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेड एबिलिटी टू मूव. दे ग्रो अप टूवर्ड द सन एंड सम हैव लीव्स एबल टू टर्न टू फॉलो ऑफ द सन. ऑल लिविंग थिंग्स हैव एन एबिलिटी टू अडेप्ट. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर अडेप्ट यानी एडेप्टेशन की एक एबिलिटी होती है. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू एनवायरमेंट चेंजेस एंड हैव अ कैपेसिटी टू इवॉल्व इनटू द न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. मॉडिफिकेशंस इनेबल इन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड इट्स एनवायरमेंट. नेचुरल सिलेक्शन अलाउज इंडिविजुअल विद बेटर अडेप्टेशन. अडेप्टेशन का मीन्स होता है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेना, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना ही अडेप्टेशन कहलाता है. तो जितना भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप को चेंजेस कर लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो एबिलिटी टू अडेप्टेशन. नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर अडेप्टेशन की कोई एबिलिटी नहीं होती है. ऑल लिविंग थिंग्स हैव एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. जितना भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की एक एबिलिटी होती है. वो अपनी ही जाति को रिप्रोड्यूस करते हैं. तो रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स दैट परमिट्स द इंडिविजुअल टू मेक रेप्लिसेस ऑफ देयर काइंड. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देमसेल्फ यूजिंग अ मॉलिक्यूलर ब्लू प्रिंट कॉल्ड DNA. ऑल्सो सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मेक replicates from themselves the lake of the characteristics of living beings. Living things are able to reproduce themselves. जितना भी living things हैं उनके अंदर reproduce करने का एक ability होती है. वो अपने ही संतान को, अपने offspring को reproduce करते हैं. Living things are able to reproduce if organism fails to this.
यदि जीव ऐसा करने में फेल हो जाता है तो पॉपुलेशन विल डायमिंश एंड डिसेपियर, धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे डिसेपियर होती चली जाती है, एंड मेंबर्स डाई फ्रॉम ओल्ड एज, और ओल्ड एज में जो उनके मेंबर्स डाई हो जाते हैं वो फिर नेक्स्ट जीव उनका जब प्रोड्यूस नहीं होता तो इस प्रकार से इस पृथ्वी से इस नेचर से धीरे धीरे उसकी जाति ख़त्म होती चली जाती है, इसीलिए रिप्रोडक्शन इज मस्ट। तो लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है बट नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वेरियस ग्रुप यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड टैक्सा। द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से मीन्स है कि किस प्रकार से किस जाति को, किस जीव को, किस ग्रुप में, किस वर्ग के, किस फैमिली में, किस किंगडम में उसको रखा गया है, यानी उसका मीन्स एक क्लासिफिकेशन है कि हम उसको कैसे रखते हैं। वन और मोर सिमिलर स्पीसीज आर ग्रुप्ड इनटू अ जीनस। वन और मोर सिमिलर स्पीसीज आर ग्रुप इनटू अ जीनस, अगर उनको एक साथ ग्रुप में रखते हैं तो वो उनका जीनस हो जाता है। वन और मोर सिमिलर, एक या एक से अधिक सिमिलर जेनरा होते हैं तो फॉर्म अ फैमिली, उनसे एक फैमिली बन जाती है। वन और मोर सिमिलर फैमिलीज फॉर्म एन ऑर्डर, एक या एक से अधिक सिमिलर फैमिलीज होती हैं उनसे एक ऑर्डर बन जाता है। वन और मोर सिमिलर ऑर्डर फॉर्म अ क्लास, एक या एक से अधिक ऑर्डर होते हैं उनसे मिलकर के क्लास बन जाता है। एंड वन और मोर सिमिलर क्लासेस फॉर्म अ फाइलम, एक या एक से अधिक क्लासेस मिलकर के फाइलम को बनाते हैं। एंड वन और मोर सिमिलर फाइला फॉर्म अ किंगडम, और इस प्रकार से मिलकर के एक किंगडम बन जाता है। किंगडम में हम देखते हैं कि फाइव जो विटकर के अकॉर्डिंग फाइव जो किंगडम्स में पूरा जो जीव है इंडिविजुअल्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे पहले अब इसमें हम देखते हैं कि जो उनका जीनस है वो क्या है, वंश क्या होता है। जीनस के बारे में यदि हम देखें तो जीनस कंप्रेसाइज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, बहुत सारी हर जीव की कुछ एक जाति होती है। कंप्रेसेस अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट आर फेयरली क्लोज रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी जातियाँ जो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होती हैं, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होती हैं, उनकी चाहे वो हैबिट में हों, हैबिटेट में हों, आचार में, व्यवहार में, फीडिंग हैबिट्स में, या इंटरनल एनाटॉमी में, किसी भी टाइप से वो एक दूसरे के जब काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होती हैं तो उनसे मिलकर के एक जीनस बनता है। फॉर एग्जाम्पल द जीनस एक्वस विच इंक्लूड सेवरल स्पीसीज, जो एक जीनस है एक्वस जिसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, सच एज द एक्वस कैवलस, एक्वस एसिनस एंड एक्वस जेब्रा, ये तीन स्पीसीज इसमें के अंदर आ जाती हैं, हॉर्स वाइल्ड एस एंड जेब्रा, इनके अंदर हॉर्स भी आता है, वाइल्ड एस भी आता है एंड जेब्रा भी आता है। द जेनेरिक नेम एक्वस कैन बी यूज्ड अलोन टू डिस्क्राइब अ जीनस, जहाँ पर ये एक्वस नेम दिया है ये जीनस को डिस्क्राइब करता है। एंड द स्पेसिफिक नेम इज ऑलवेज यूज विद द जेनरिक नेम, इट इज मीनिंगलेस व्हेन यूज्ड अलोन। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फैमिली। जेनरा आर ग्रुप इनटू फैमिलीज, जेनरा है आर ग्रुप में होते हैं इनटू फैमिलीज विच आर द मेजर ग्रुप ऑफ जनरली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सच एज मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है फेलिडी विच इंक्लूड्स ऑल कैट, एक फैमिली है फेलिडी जिसमें कैट लाइक एनिमल्स आते हैं, कैट लाइक एनिमल्स लाइक डोमेस्टिक कैट है, टाइगर, चीता, जैगुआर एंड स्नो लेपर्ड, एवरी कंटिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका हैज इट्स ओन जीनियस ऑफ कैट, बट ऑल आर द फेलिडी फैमिली, फैमिली नेम ऑलवेज एंड इन द लेटर्स ए ई, फैमिली की पहचान है कि फैमिली में लास्ट में जो लेटर आएगा, जो वर्ड्स आता है वो ए ई आता है, ए ई, जैसे फेलिडी, फेलिडी में एफ ई एल आई डी ए ई, एक फैमिली है तो फैमिली की पहचान है कि लास्ट में उसमें जो वर्ड्स आते हैं ए ई आते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर में फैमिलीज आर ग्रुप्स इनटू ऑर्डर्स whose individuals may vary in many ways such as the order of carnivores which includes families like felidae and canidae,
जिसमें डॉग है। हाउएवर ऑल मेंबर्स वे सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्लांट ईटिंग एनिमल सच एज दोज इन द मेजर ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्लास हमारा आता है। क्लास में क्लास इज मेजर डिवीजन विद इन द एनिमल किंगडम फ्रॉम द बेसिस ऑन विच मोस्ट फॉसिल स्टडी इन बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल द क्लास मेमेलिया कंटेन ऑर्डर लाइक, तो जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। क्लासेज आर ग्रुप इन टू फाइला। फॉर एग्जाम्पल क्लासेज इंसेक्टा, क्रस्टेशिया। तो ये बहुत सारे जो हमारे क्लासेज हैं ये मिलकर के हमारा एक फाइलम इनसे बन जाता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको अलग अलग हम आगे के लेसन्स में इसमें पढ़ेंगे, उनको अलग फाइलम से भी बांटा है। फिर किंगडम, एनिमल्स बिलोंग्स टू वेरियस फाइला और असाइन टू द हायर कैटेगरी टर्म किंगडम, वो सब किंगडम में आ जाते हैं। तो वीडियो आपने देखा होगा, वॉच करने के लिए वेरी वेरी थैंक।